डियर स्पिरिट्स, टुडे वी विल डिस्कस योर सोनेट नंबर 5। ये फर्स्ट 17 सोनेट शेक्सपियर के जो कि उन्होंने यूथ को अर्ज करते हुए लिखे हैं। ओके, तो इन सोनेट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट 17 सोनेट यूथ को अर्ज करते हुए वो लिखते हैं कि उनको अपनी ब्यूटी को ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए और अपने उत्तराधिकारी के रूप में जो उनकी ब्यूटी है वो हमेशा जीवित रहेगी, तो उन्हें अपना वर्क करते रहना चाहिए जिसके लिए उन्हें बनाया गया है। ओके, सो लेट डिस्कस सोनेट नंबर 5। Those hours that with gentle work did frame, those hours यानी कि वे घंटे जिनको हल्के काम के लिए तैयार किया गया था, है ना, जिनको soft work के लिए ready किया गया था, उन hours के बारे में। The lovely gaze where every eye doth dwell, the lovely gaze यानी कि वो प्यारा सा टकटकी लगा कर देखना और वो ढांचा बनाना, that where every आई डॉथ ड्वेल, जहाँ हर एक आँख बसती है, जहाँ हर एक आँख रहती है, वो सुंदर टकटकी वाला ढांचा बनाते हुए। विल प्ले द टायरेंट्स टू द वेरी सेम, विल प्ले द टायरेंट्स, वो जो वहाँ पर भूमिका निभाते हैं टायरेंट्स की यानी कि अत्याचारियों की, जो वो भूमिका प्ले करते हैं। एंड दैट अनफेयर विच फेयरली डॉथ एक्सेल, एंड दैट अनफेयर, और जो वहाँ पर अनुचित है, विच फेयरली डॉथ एक्सेल, काफ़ी हद तक वो एक उत्कृष्ट स्थान पर है, एक ऊंचे स्थान पर है। ठीक है, तो इन लाइन्स में शेक्सपियर यहाँ बताते हैं कि जो टाइम है वो बहुत ही सावधानी से उन्होंने उन खूबसूरत आँखों को बनाया है जिससे कि वो पूरी इस नेचर को देखते हैं, और उन्हीं प्यारी आँखों से वो क्या बन जाते हैं, टायरेंट्स बन जाते हैं, अत्याचारी बन जाते हैं, और यही चीज़ उन्हें बदसूरत बना देती है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। फॉर नेवर रेस्टिंग टाइम कि कभी न विश्राम करने वाला, लीड समर ऑन, गर्मी के समय में कभी न विश्राम करने वाला, द हाइडियस विंटर, और भयानक सर्दियों की ओर ले जाता हुआ ये समय, एंड कॉन्फाउंड्स हिम देयर, हमें वहीं पर उलझा देता है। कॉन्फाउंड्स यानी कि हमें उलझा देता है। यहाँ पर ये बताया गया है कि कभी ना आराम करने वाला वो समय गर्मी को उस हाइडियस विंटर की ओर ले जाता है, जो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है उसकी, और वो टाइम ले जाता है और वहीं पर नष्ट कर देता है। सैप चेक्ड विद फ्रोस्ट एंड लस्टी लीव्स क्वाइट गॉन, सैप चेक्ड विद फ्रोस्ट यानी कि ठंड से भरा हुआ वासनापूर्ण जो पत्तियां हैं क्वाइट गॉन, वहाँ से जा चुकी हैं या लॉस्ट हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं। ब्यूटी ऑफ स्नोड एंड बेयरनेस एवरी वेयर, ब्यूटी ऑफ स्नॉट यानी कि जो सुंदरता है वो पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है और हर जगह बेयरनेस है, यानी कि जो एक तरह से बेयर है यानी कि नंगापन है, वो हर जगह दिखाई दे रहा है, अत्याचार हर जगह दिखाई दे रहा है। देन वर नॉट समर्स डिस्टिलेशन लेफ्ट, और वहाँ पर गर्मी का थोड़ा सा भी डिस्टिलेशन नहीं बचा है, गर्मी का प्रभाव नहीं बचा है। ओके, यहाँ पर बात हो रही है उस नेचर के बारे में कि जो ब्यूटी है क्या है, टाइम हमें समर से विंटर की ओर ले गया और वहीं पर वो नष्ट कर देता है, है ना, जैसे पाला पड़ता था उसका पड़ना बंद हो जाता है, पेड़ों से पत्तियां गायब हो जाती हैं, और जो ब्यूटीनेस है वो बर्फ से ढकी हुई है और सभी पेड़ क्या हो गए हैं, बेयरनेस हो गए हैं, यानी कि जो उनकी पत्तियां हैं वो गिर गई हैं, यहाँ पर ये मीन्स है। ओके, अ लिक्विड प्रिजनर पेंट इन वॉल ऑफ ग्लास, अ लिक्विड प्रिजनर यानी कि एक कांच की दीवारों में एक लिक्विड जो कैदी है वो वहाँ पर दबा हुआ है। ब्यूटीज इफेक्ट विद ब्यूटी वर बेरिफ्ट, ब्यूटीज इफेक्ट जो ब्यूटी का इफेक्ट है, जो सुंदरता है उसका जो प्रभाव है वो बेरिफ्ट यानी कि बिल्कुल शून्य है। ओके, नॉर इट नॉर नो रिमेम्बरेंस व्हाट इट वॉज, नॉर इट ना तो यह है, नॉर नो रिमेम्बरेंस और ना ही कुछ याद है, व्हाट इट वॉज ये क्या था, बट फ्लावर्स डिस्टिल्ड लेकिन जो फ्लावर्स हैं वो क्या होते हैं, डिस्टिल्ड होते हैं, दो दे विद विंटर मीट और सर्दियों में वे हमें क्या है, मिलते हैं। लीज बट दियर शो दियर सब्सटेंस स्टिल लिव स्वीट, लीज बट दियर शो, लीज यानी कि जो उनकी उपस्थिति है उनका जो सब्सटेंस है
वो अभी भी वहाँ पर मधुर मधुर रूप में हमें देखने को मिलता है. ओके, इन दीज लाइन्स शेक्सपियर डिस्क्राइब हियर कि जो टाइम है वो बहुत ही खूबसूरत आँखों के लिए बनाया गया है, जो उन नज़रों के लिए बनाया गया है देखने के लिए, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपनी उन प्यारी आँखों से टेरेंट्स बन जाते हैं, अत्याचारी बन जाते हैं और बदसूरत उस चीज़ को बना देते हैं. गर्मी से टाइम भीषण सर्दी की ओर बढ़ जाता है, पाला पड़ता है और पेड़ों से पत्तियां गायब हो जाती हैं, जो ब्यूटीनेस है वो बर्फ़ से ढक जाती हैं और सभी पेड़ों की क्या हो जाती है, पत्तियां गिर जाती हैं, वो बेयरनेस हो जाते हैं. जब समर्स जो हुए वो कांच की शीशी में कैद अगर उन्हें नहीं किया होता तो समर तक क्या होता है कि डेथ हो जाती है, जो आपकी विरासत है वो खो जाएगी. यहाँ पर समर से मतलब है कि अगर उस समर को, यानी कि अगर आपने अपने लाइफ को उस तरह से नहीं बोड़ा तो आपकी डेथ हो जाएगी और आप उसे हमेशा के लिए खो देंगे और ना ही तो कुछ बचेगा और ना ही उसके रिमेम्बरेंस बचेगी, ना ही कोई आपकी स्मृति बचेगी. ठीक है, और जो फूल सर्दी से नष्ट हो गए हैं वो अपना स्टे ट्यून्ड ऑन चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट सोनेट में, सोनेट 6. हैव अ गुड डे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि चैनल के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन है आपको टाइम से मिल जाए.